बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनाली, आप देख रहे हो द ग्लोरी मेकअप स्टूडियो। आज हम बात करेंगे स्किन की, जो हम सन प्रोटेक्शन क्रीम यूज करते हैं, जो कि सन के यूवी रेस से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। सनस्क्रीन को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पीपल का बहुत सारा क्वेश्चन होता है मन में कि हमें कौन से SPF लेना चाहिए, pH फैक्टर क्या होना चाहिए और इसका क्या काम होता है और कितनी देर के बाद इसका काम चालू होता है। ये सारे क्वेश्चनों का सवाल लेके आई हूँ मैं। सबसे पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं कि सन के अंदर जो दो रेस होता है जो हमारी स्किन को इफेक्ट करता है, वो होता है UVA रेस और UVB रेस। UVA रेस जो होता है वो होता है हमारी स्किन की पिगमेंटेशन की मेन रीजन, जो आजकल की मेजर प्रॉब्लम होता है स्किन की पिगमेंटेशन या फिर स्किन की एजिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है ये वाला रेस। और अल्ट्रा वायलेट जो बी वाला रेस होता है, जो सन के यूवी बी लाइट होता है, वो हमारी स्किन को इतना मेजर हार्मफुल नहीं करता, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये भी स्किन के लिए स्किन कैंसर का रीजन बन जाता है। आज हम जानेंगे कि आपको स्किन के लिए कैसा SPF चूज करना चाहिए। सबसे पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि लोगों को अक्सर मन में ये क्रिएटिव होते हैं कि हम बीच वाले एरिया पे जा रहे हैं तो सनस्क्रीन को फटाफट लगा के चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर बीच वाले एरिया पे आप निकल के जा रहे हो तो आपको सनस्क्रीन तो उस टाइम तो जरूरत है ही। आपके वहाँ अगर सन डायरेक्ट आपकी स्किन के ऊपर ना भी गिरे तब भी आपको वहाँ की हवा से भी आपको स्किन को टैनिंग मिल सकती है, मतलब आपकी स्किन के ऊपर टैनिंग आ सकती है। इसकी चार जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होता है सन बर्न, स्किन की पिगमेंटेशन, एंटी एजिंग स्पीड अप करना, एंटी एजिंग स्पीड को स्पीड अप करना, या फिर आजकल के जो रिंकल झाइयाँ होता है वो सन टैन की और सन के UVA और UVB रेस की मेन रीजन होता है। आपको उस टाइम बीच वाले एरिया के लिए अगर आप निकल के जा रहे हो तो आपको सनस्क्रीन को ऑलवेज लगा के 15 मिनट के बाद आपको बाहर जाना है। ऐसा नहीं कि आपने अभी लगाया अभी आपने बाहर निकल गए, ऐसा नहीं होता। 15-20 मिनट उसे देना होता है काम को स्टार्ट करने के लिए, स्किन के अंदर सारे प्रोसेस को एक्टिव करने के लिए। तो ये होता है कैसे हमें लगाना है। और अगर आप बीच वाले एरिया पे जा रहे हो तो आपको हर 2-2.5 घंटे के बाद सनस्क्रीन को रिपीटेडली अप्लाई करते जाना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो आप फुल डे के लिए स्किन को प्रोटेक्शन मिल गया, ऐसा कभी नहीं होता। बीच वाले एरिया पे सन की जो यूवी रेज यूवीबी रेस होता है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है, बिकॉज रेत के लिए हवा बहुत ज़्यादा गर्म होता है और स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो आपको ऑलवेज 2-2.5 घंटे के बाद बाद सनस्क्रीन को रिपीटेडली अप्लाई करना है। फैक्टर नंबर 1 SPF। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो कि सन की UVA और UVB रेस के अंदर हमारी स्किन से स्किन को प्रोटेक्शन मिलता है। सबसे पहले मैं बता दूँ, सन की UVB रेस से पिगमेंटेशन मिलता है हमारी स्किन के, और जो प्री मैच्योर पिगमेंटेशन जो आज के डेट में बहुत बड़ी रीजन होती है, वो सन की UVB रेस का मेन रीजन होता है। और सन की UVB रेस का मेन रीजन होता है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, इतनी जल्दी इफेक्टिव नहीं होता है ये लॉन्ग टर्म में स्किन कैंसर का रीजन होता है। आज हम बात करेंगे कि इसके जो रीजन होता है सन की UVA और UVB, इससे आपको प्रोटेक्शन प्रॉपर देने के लिए आपको क्या क्या चीजें नोटिस करनी है। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप ओनली फॉर SPF देख के सनस्क्रीन को परचेज करते हो तो बहुत बड़ी एक गलत फहमी है, क्योंकि सन की जो UVA रेस है वो 95% हमारे अर्थ पे आके गिरता है, तो ये हमारी स्किन को बहुत हद तक डैमेज करता है। और जो आप SPF देख के परचेज करते हो ना, ये ओनली फॉर ओनली 5% रेस को प्रोटेक्ट करता है हमारे स्किन से, तो हो गई ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बातें। आपको ओनली फॉर SPF को देख के परचेज नहीं करना, आपको देखना है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि नहीं है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो कि हमारे UV रेस ए और UVB रेस से दोनों से हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। अब मन में ये सवाल आता है कि हमें SPF कितना लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, SPF 15 वाला जो होता है, जो SPF 15 लिखा होता है, वो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है 93%। जो SPF 30 होता है वो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है 97%। एंड जो SPF 50 होता है वो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है 98%। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके आउटिंग कैसा है, उस हिसाब से आपको SPF सिलेक्ट करना है।
अब आपको देखना है सेकंड फैक्टर को, जो पी ए फैक्टर होता है, आपने देखा होगा इस पे के नीचे लिखा होगा पी ए प्लस प्लस। जो पी ए प्लस होता है वो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है 35 से लेके 40% तक। जो पी ए प्लस प्लस मतलब दो बार प्लस लिखा होगा वो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है 40 से लेके 50% तक। जो पी ए प्लस 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 मतलब थ्री बार प्लस लिखा होगा वो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है 95% तक। और जो पी ए फोर बार प्लस लिखा होगा वो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है 98% तक एंड 99% तक। आपको डिसाइड करना है आपको आउटिंग के हिसाब से। मैं बता दूं कि पी ए प्लस प्लस वाला ठीक होता है, सबसे बेस्ट होता है, और पी ए 30 मतलब जो एस पी एफ है वो 30 से लेके 50 के अंदर रखो तो बेटर होगा स्किन के लिए। अब आपको देखना है स्किन के टाइप्स कैसा है। स्किन अगर आपकी ऑयली है तो आपको मैट लुक वाला जेल बेस वाला आपको लेना है जो आपको मैट लुक दे। आपको स्किन टाइप भी बहुत मैटर करता है इसमें एस पी एफ में। आप कोई भी क्रीम को उठा के आप स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते। देन आपको देखना है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऑयल बेस, मॉइस्चराइजर बेस, क्रीमी बेस, जो लिक्विड क्रीमी बेस होता है ऐसा वाला आप क्रीम यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, आपकी पसंद के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे क्रीम आपके स्किन के लिए ही है और आपके स्किन के हिसाब से अच्छे से काम करेगा। ये सारी चीज़ अगर नोटिस करके आप क्रीम को यूज़ करोगे, क्रीम को देखोगे तो आपके स्किन को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल पाएगा। अब आपको देखना है कि ये जब सारी क्रीम होता है ये कितने फॉर्मेट में आते हैं, मतलब कि ये कितने टाइप्स में आता है। एसपीएफ होता है 3 टाइप्स में, एक होता है रोल ऑन में आता है, दूसरा होता है जो जेल बेस होता है, क्रीम होता है या फिर मॉइस्चराइजर, जो भी आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से होता है। और तीसरा होता है स्प्रे वाला। जो स्प्रे वाला होता है बहुत ही कन्वीनियंट होता है यूज़ के लिए, कभी भी आप बाहर जा रहे हो तो उसे सीधा फेस के ऊपर स्प्रे करो एंड 5 मिनट के अंदर अंदर उसका काम चालू हो जाता है। अब आप कोई भी इसमें से ले लो, इसका कोई इतना वो नहीं होता कि आपको इसी में लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो कंफर्टेबल लगे यूज़ के लिए आप ऐसा वाला क्रीम यूज़ कर सकते हो। आप अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, सारे स्टेप को बहुत अच्छे से नोटिस कर लिया तो आपको पता लग गया होगा कि आपको किस टाइप के सनस्क्रीन आपको चूज़ करना है। तो आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहे, हमें मोटिवेट करते रहे। सब्सक्रिप्शन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टे ट्यून, बाय बाय।